फाइनली स्काई लार्क पहुंच गए हैं। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूं इस वक्त नेटोर और एक शादी है, चल रहे हैं सहारनपुर। तो चलिए करते हैं टेंट और दिखाते हैं आपको रास्ते कुछ भी। तो माशाल्लाह भाई सलमान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त दूल्हा बन करके। तो चलिए बारात चल रही है, रेडियां चलने के लिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों देवबंद से पहले फर्स्ट टोल टैक्स पर हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी दूर रह गए हैं देवबंद। खुल जा सिम सिम। दोस्तों हम इस वक्त हैं ठीक दारुलूम देवबंद के सामने। आप सामने देख सकते हैं मस्जिद रशीद और यह लाइब्रेरी। तो एक स्मॉल हॉल्ट लिया है हमने और रुके हैं दारुलूम के ठीक सामने। तो इस वक्त है हम हाईवे पर, आप देख सकते हैं, और पीछे है मस्जिद रशीद और लाइब्रेरी। तो हम हैं जिला कारागार चौक पर सहारनपुर और ये देहरादून चौक है, देहरादून चौक। तो दोस्तों ये है घंटाघर चौक, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुकिंग शाम की। तो भाई सलमान की गाड़ी पहुंच चुकी है घंटाघर के सामने, चलिए चल रहे हैं। तो फाइनली होटल स्काई लार्क पहुंच गए हैं और सलमान भाई उतर चुके हैं गाड़ी से, सभी यार दोस्त। तो यह है होटल स्काई लार्क, अब करेंगे हम एंट्री। इस साइड में रिसेप्शन, चलिए भाई सलमान कर रहे हैं होटल में एंट्री। हो गई है हमारी स्काई लार्क होटल में, यहाँ पर जो है थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद चलेंगे हम मैरिज हॉल। तो स्टेयर से ऊपर चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, चलिए। ये है फर्स्ट फ्लोर और देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत शोपीस और एक हैंडीवर्क तो यहाँ मशहूर है सहारनपुर में। ये है रूम्स, ये है 102 नंबर, इधर एक गैलरी और ये राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ रूम है। हम एंटर कर रहे हैं रूम नंबर 105। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेड है, एक इधर सोफा है, एक टेबल है भाई आजिम रेस्ट करते हुए, और ये बेड, एक इधर दो सोफे, टेबल, एलसीडी वगैरह, और इस तरफ है बाथरूम। ये है यहाँ का बाथरूम, वॉश बेसिन है, और इधर है टब, बाथ टब। दोस्तों थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फ्रेश होने के बाद कपड़े चेंज वगैरह करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम ज्वाइन करने आज की ये मैरिज हॉल। तो चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पर नाश्ता और उसके बाद होंगे हम फ्रेश। तरफ हो रहा है नाश्ता, आप देख सकते हैं सभी ले रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। भाई सलमान और फ्रेंड्स ले रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। तो नाश्ता ले चुके हैं, इस वक्त मौजूद है हम फर्स्ट फ्लोर और सभी ले रहे हैं नाश्ता, उसके बाद होंगे फ्रेश और चलेंगे वापसी मैरिज हॉल। तो चलिए ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, अभी चल रहे हैं हम रूम पर और करेंगे चेंज उसके बाद, चूँकि यहाँ पर जो है होटल पर आना था इसलिए जो है नाइट और से हम फ्रेश और चेंज करके नहीं आए। तो अभी करेंगे हम रूम पर चल कर अपना चेंज और उसके बाद चलेंगे हम वापसी। तो नाश्ते में पकौड़ी, सैंडविच और रेड ग्रीन कलर की दो तरह की चटनी और कॉफ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। तो ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, थोड़ी भूख सी भी लग रही थी काफ़ी देर से सफ़र में थे, तो अभी फील अच्छा हो रहा है तो चेंज करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। अल्लाहु अकबर,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईशा की नमाज ब जमात हाफिज साहब हाफिज फैजान साहब आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए, चूंकि हम सफर में हैं दो ही रकात हमने कसर की है सफर की वजह से। माशाल्लाह भाई सलमान हो चुके हैं रेडी और तमाम बराती भी, तो बस अभी चलने की हो रही है तैयारी। देखिए बहुत ही खूबसूरत वाइट ड्रेस में पगड़ी चुन्नी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। और कुछ लोग देखिए माशाल्लाह क्या बात है, सेकंड दूल्हा ये लग रहे हैं हमारे भाई। दोस्तों हमारी आवाज़ लग चुकी है इसका ही लाभ में कि बारात में चलो चलो चलो। तो चलिए चल रहे हैं सभी लोग वापसी और मैरिज हॉल में। ये चलते हैं लिफ्ट से, सिम खुल गया, तो सिम खुल गई है, आ जाइए, चलिए सीए साहब आ जाओ, तो चलिए चलते हैं ग्राउंड पर। और हाजी जी और कैसे हैं? ठीक है। हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से, यहाँ पर जो है लिफ्ट भी लगी हुई है तो खुल गई है सिम और हम आगे। नाश्ता हो चुका, फ्रेश हो गए, नमाज पढ़ ली, अभी चल रहे हैं मैरिज हॉल। तो दोस्तों ये था होटल स्काई लार्क सहारनपुर। तो चलिए हम सब फ्रेश हो चुके हैं और अब जा रहे हैं मैरिज हॉल। तो आप देख सकते हैं बारात इस वक्त रुकी हुई है, वेट हो रहा है ढोल वालों का, तो यहीं से जो है ढोल बजा करके गाड़ियां तमाम जो है मैरिज हॉल तक पहुंचेंगी। देख सकते हैं सभी गाड़ी लगी हुई है लाइन से। सर कहाँ है आप, आपका तो पता ही नहीं, बाहर सारी बाहर बाहर ही है, आप आओ।
सलमान और उनके यार दोस्त अहबाब बुजुर्ग और इधर बैठे हुए उनके भाई दोस्त वगैरह तो काफ़ी खुश हैं सभी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर स्वागत किया गया है बारात का, बहुत ही ज़बरदस्त। जी क्या कहना चाहेंगे, बाहर जो हंगामा कटा है मज़ा आ गया है। दोस्तों इस मैरिज हॉल के अंदर दो पार्टीशन है, एक में जहाँ पर आप दूल्हा देख रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे राइट हैंड पर चल रहा है खाना। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़े से व्यू दिखाता हूँ। इस तरफ लेफ्ट हैंड पर नाश्ता जिसको बोलते हैं और वहाँ सामने उस तरफ है खाना और इस तरफ लगी हुई है टेबल वगैरह। भाई इसे बर्दाश्त की तो बात बाहर हो गया मामला, 11 बज चुके हैं जी, तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करी फिर भी इनाम भाई ने, बुजुर्गों को खाना चाहिए था। हाजी जी बैठ चुके हैं माशाल्लाह और ले रहे हैं, शीरमाल है, चिकन टिक्का है, कीमा वगैरह, तो भाई ले रहे हैं खाना माशाल्लाह, आप देख सकते हैं छोड़ा है खाना जी, खाने में माशाल्लाह बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा तो दोस्तों ये है दिल्ली पैलेस और इस तरफ ले रहे हैं तमाम मेहमान हजरात खाना। शुरू हो चुका है और ये हमारे भाई शब्बू जी। शब्बू भाई कैसा रहा बारात का स्वागत? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मगर लेट हो गया जी, सही बात है, लगभग 11:15 जी, 11:15 हो गए, ठंडी हो गई, आधा होगा जी। तो इस तरफ ले रहे हैं शब्बू भाई खाना जी। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा था जी कि मेरे बच्चे भी देखेंगे ना जी, पापा इनका ब्लॉग देखते हैं, आज पापा आ गए इसके ब्लॉग पापा आज खुद आ गए, तो मोहम्मद शादमान, मोहम्मद यास, मोहम्मद यान देखो कह दो बेटा तुम्हारे को, देखो तुम्हारे पापा की आज मैंने वीडियो बना दी, आज व्लॉग आ गए पापा की। तो कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है जी, और इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए आ जाइए जी, बिल्कुल लीजिए। तो ले रहे हैं तमाम हजरात यहाँ पर खाना, जैसे आप देख सकते हैं तवे वाली रोटी भी है और साथ में कीमा है, कोरमा उधर, चिकन इस तरफ है, बिरयानी और ये टिक्का जो खत्म हो चुका उस तरफ है, फ्राई और ले रहे हैं यहाँ पर हमारे हजरत, तरफ है दाल का हलवा। यहाँ पर जो है मेहमान हजरात और मेज़बान दोनों मिलकर के जो है खाना ले रहे हैं और खाना सर्व कर रहे हैं। इस तरफ है चाय, इसे कहते हैं नोटों का बोझ, किस कदर था सलमान भाई के कांधों पे, तो थोड़ा सा जो है रिलैक्स कर दिया है, उतार दिया है। यहाँ पर दूल्हा और उनके दोस्तों के लिए आ गई है कॉफ़ी और इधर बैठे हुए मामा जी, तो माशाल्लाह गम महसूस तो नहीं कर रहे नोट उतरने का, इधर चाचा बैठे थे, मामा, इधर एक तरफ चाचा और एक तरफ मामा, देखिए दोस्त जो है कन्फ्यूज है क्या कहें क्या करें। तो इमाम साहब आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हो रही है तैयारी निकाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो चुका है और दुआ हो रही है। तमाम हजरात यहाँ पर जो है निकाह की दुआ करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह पीछे हो रहा है निकाह, मज़ाहिल उलूम के बहुत बड़े आलिम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर निकाह पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एहतरामन और बहुत ही जो है शांति के साथ जो है यहाँ पर निकाह हो रहा है। दोस्तों ये देखिए ये हैं छुहारे, अब बटेंगे छुहारे, यहाँ पर जो है तबर्रुक के तौर पर छुहारे बटेंगे माशाल्लाह निकाह की खुशी में। तो देखिए यहाँ पर जो है छुहारे बोचे जा रहे हैं, कैच किए जा रहे हैं जी, देखिए यहाँ एक भी नहीं, आपके पास दो दो। अच्छा ये देखिए हजरत के पास भी आ गए थैली, हजरत एक थैली दे देते
बहरहाल बड़ी कोशिशों के बाद छुआरे हमें मिल चुके हैं और देख सकते हैं आपके छुआरे कहाँ हैं। नहीं मिले मुझे। आए आए, क्या कह दिया तुमने, इसी में ज्यादा कर लेंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं निकाह हो चुका है सलमान भाई का, छुआरे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ, कुछ लोगों ने कैच भी किए, कुछ को बहुत आसानी से मिल गए, कुछ को बहुत मशक्कत के बाद मिल पाए, तो छुआरे बढ़ चुके हैं, खुशी का इजहार हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके बाद मुबारकबाद देने के बाद होगा दूल्हा का खाना। भाई शादाब, सलमान भाई को मुबारकबाद देते हुए वाली साहब आ गए हैं, सर पर हाथ रख कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है सलमान भाई को मुबारकबाद और दुआ पेश करते हुए माशाल्लाह जी। देखिए ये है, ये बहुत ही खूबसूरत पल है एक बाप के लिए, उसकी औलाद जो है आज जो है निकाह के उस बंधन में जो है सुन्नत है उसमें बंध गई है माशाल्लाह। तो यहाँ सभी दोस्त जो है मुबारकबाद पेश करते हुए, ये भाई सलमान भाई, इमाद भाई जी, इमाद भाई हाँ माशाल्लाह, इमाद भाई मुबारकबाद देते हुए आ जाइए, दुआ दीजिए बच्चे को माशाल्लाह। आप सलमान भाई को मोहब्बत का इजहार गोद में उठाकर करते हुए, तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुश है माशाल्लाह, आज बेटे का निकाह हो चुका है, सुन्नत अदा हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह, बहुत खुश है माशाल्लाह। तो ये थे वाली साहब दुआओं से नवाजते हुए, तमाम यहाँ पर जो है दोस्त सलमान भाई के बारी बारी आ रहे हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं भाई सलमान को इस निकाह के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये पल है और सभी दोस्त खुश हैं। और ये है भाई, छोटे भाई, छोटे भाई हैं भाई सलमान के, बिलाल भाई, तो प्रधान जी के लड़के, माशाल्लाह दुआ देते हुए दोस्त को मुबारकबाद पेश कर। तो भाई फैजान यहाँ पर, भाई शानू भाई लड़के भाई माशाल्लाह, ये फुपेरे भाई है शानू भाई, और हमारे हजरत सर पर हाथ रखकर भाई सलमान को जो है मुबारकबाद पेश करते हुए। फूफा जी जी माशाल्लाह जी, फूफा जी क्या कहना चाहेंगे आज बच्चे जो है। पहले तो मैं आपको इस्तकबाल करता हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में बहुत खुशी हुई, जज़ाकअल्लाह चैनल को, और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बढ़िया हुआ है जी, ये लहत कर्म की बात है बिल्कुल ठीक। अल्लाह हाफिज़। जो है बहनोई साहब और चाचा सलमान भाई को मुबारकबाद पेश करते हुए आप देख सकते हैं, जी बिल्कुल, आप कब आओगे आप ही दीजिए। चलिए माशाल्लाह यहाँ पर जो है चाचा दुआओं से नवाजते हुए मुबारकबाद देते हुए भाई सलमान का बहुत टाइम के बाद भाई को उस पर चैनल पर हम चमकेंगे माशाल्लाह। तो भाई सलमान इस वक्त जा रहे हैं खाने के लिए, 12 बज चुके हैं, डेट भी चेंज हो गई, अगला दिन हो गया सलमान भाई, हाँ 6 तारीख हो गई, 5 में आए थे 6 में खाना खाएंगे। भाई सलमान और तमाम यार दोस्त मामा वगैरह सभी लोग जा रहे हैं खाने के लिए। दोस्तों लगभग 11:30-12 हो चुके हैं, निकाह हो चुका है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दूल्हा का टेबल लग चुका है, दूल्हा उनके दोस्त और रिश्तेदार वगैरह तो लेंगे डिनर लगभग 12 बजे। खाना सज चुका है, यहाँ पर जो है बिरयानी है, जर्दा है, कोरमा है और स्टू है, काफ़ी कुछ है माशाल्लाह। आ गए हैं दूल्हा, भाई सलमान आ चुके हैं, उनके वाली साहब, यार दोस्त, अहबाब सभी लोग आ गए हैं, अब लेंगे खाना। तो भाई सलमान लेंगे खाना, फ्राई, कोरमा, जर्दा, बिरयानी और काफ़ी कुछ माशाल्लाह। तमाम लोग बैठ गए हैं और भाई सलमान भी बैठ गए हैं, अब लेंगे आज का डिनर। तो दोस्तों बैठ गए हम खाने के टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, अब लेंगे खाना और उसके बाद मिलेंगे आपसे खाना लेने के बाद। तो यहाँ पर है चिकन टिक्का, भाई सलमान, उनके वालिद साहब, भाई वगैरह और तमाम यार दोस्त अहबाब इस वक्त ले रहे हैं माशाल्लाह खाना। खाना हम ले चुके, आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर महानगर खाने के मामले में पहले से ही बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो हम ये ना भूलें कि हम इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर और यहाँ का जो ये खाना है यकीनन इसमें सहारनपुर की मिट्टी की और यहाँ की जो है एक मेहनत की खुशबू खाने में
अलग ही नज़र आती है। तो बहुत ज़बरदस्त रहा, बिरयानी थी, टिक्का था, फ्राई था, और आपका कोरमा न्यारी, काफ़ी कुछ, काफ़ी लजीज खाने थे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रहा और पेट भर के खाया। और आखिर में हमारी वही कॉफ़ी, देख सकते हैं यहाँ पर असलम भाई, चाचा सलमान भाई, उनके छोटे भाई, तमाम लोग माशाल्लाह खाने का लुत्फ लेते हुए बहुत ही इत्मीनान के साथ। जो है सलमान भाई के वालिद साहब रईस भाई जी, हजरत मेहमान नवाजी और खाना कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा जी, खिलाने का अंदाज भी जी, खाने में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अपनी करम से हर चीज़, हर मामला बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई रईस बता रहे हैं माशाल्लाह जी, हजरत कैसा रहा? बिल्कुल। तो ले चुके हैं तमाम लोग खाना, और यहाँ पर खड़े हुए हैं दोस्त वगैरह और कारीगर वगैरह, यहाँ पर 1000 रुपये दिए हैं कारीगर को खुश होकर के रईस भाई ने। तो यहाँ पर जो है बच्चे थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए सलमान भाई को। दोस्तों खाना वगैरह ले चुके हैं, और खाना खाने के बाद लोग यहाँ पर खड़े हुए गुफ्तगू वगैरह कर रहे हैं, और अभी इंतज़ार है सिर्फ विदाईगी का। तो खाना वगैरह, निकाह वगैरह सब कुछ हो चुका, अभी इंतज़ार है रुखसती का। तो दोस्तों लगभग रात के 1 बज चुका है, तो बारात ने खाना ले लिया, निकाह वगैरह हो चुका, अभी जो है इंतज़ार है वो है रुखसती का। तो बस इंशाल्लाह इसके बाद होगी रुखसती और वापसी चलेंगे हम मेट्रो। भाई सलमान इस वक्त जा रहे हैं सलामी के लिए ऊपर वाले पार्टीशन में। ये दूल्हे वालों की तरफ से दुल्हन के लिए, देखिए 3 तो इसमें नेकलेस है, एक ये है, एक ये है, और ये कंगन वगैरह, और यहाँ पर लड़की का ये कपड़े, और इस तरफ रखे हुए हैं लहंगा चुन्नी, बैग्स वगैरह, ये मेकअप का बॉक्स है, और यहाँ पर बरिए वगैरह ये दी गई है। देखिए तो यहाँ पर कुछ बैग हैं, ये दुल्हन का सूट है, और उस तरफ सोने की आइटम। तो ये सामान दिया गया है लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को। रात के बज चुके हैं 2, रुखसती हो चुकी है। ये था हमारा आज का ब्लॉग सहारनपुर दिल्ली पैलेस से। प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों सहारनपुर से चलकर आ गए हम शिवा टूरिस्ट ढाबे पर, और लेंगे हम चाय। दोस्तों सहारनपुर से वापसी आ गई है बारात, और इस वक्त रुके हुए हैं शिवा ढाबे पर, और ले रहे हैं तमाम दोस्त चाय।